कलर का फैब्रिक यूज कर रही हूँ, लाइनिंग के लिए अलग, मेन फैब्रिक के लिए अलग और पाइपिंग के लिए अलग। घर में जो छोटे छोटे पीस बचते हैं उसको आप यूज करके इसे बना सकते हैं। ये बास्केट शेप में आएगा, तो इसकी चौड़ाई मैंने 10 इंच रखी है और इसकी लंबाई 7 इंच रखी है। दो पीस मेन फैब्रिक का है, दो पीस लाइनिंग का है। और इसके नीचे बेस के लिए मैंने जो फैब्रिक लिया है, इसकी चौड़ाई है 9 इंच और इसकी लंबाई है 4.5 इंच। ऐसा दो पीस लेना है, सभी में कैनवास अटैच कर देना है। और जो साइड का पीस है इसका जस्ट हाफ लेना है और साइज पूरा लेना है। बस 1.5 इंच साइड से इस तरह तिरछी लाइन देके कट कर देनी है फैब्रिक को। इसका हाफ लेना है 5 इंच और यहां से इसका नीचे का है 3 इंच से थोड़ा सा ज्यादा, और इसमें भी तिरछी लाइन देके कट कर देनी है। ऐसा 4 पीस लेना है, दो पीस लाइनिंग का, दो पीस मेन फैब्रिक का। और इसके कवर के लिए, ऊपर के कवर के लिए जो फैब्रिक लिया है, इसकी लंबाई है 5.5 इंच और इसकी चौड़ाई है 6 इंच से थोड़ा सा ज्यादा है। ऐसा 4 पीस लेना है। और इसके हैंडल के लिए जो फैब्रिक लिया है, इसकी लंबाई है 8 इंच से थोड़ा सा ज्यादा है और इसकी चौड़ाई है 6 इंच। ऐसा 2 पीस लेना है। हैंडल में लाइनिंग वाले पीस का ही सिर्फ बता रही हूँ क्योंकि ये बीच में आएगा। तो चलिए इसे स्टिच करना बताती हूँ। सभी में कैनवास अटैच कर देना है। दोनों पीस में कैनवास पेपर यूज कर रही हूँ। आप चाहें तो इसकी जगह पर फोम भी यूज कर सकते हैं। दोनों पीस को इस तरह रखते हुए सारे साइड से अटैच कर लेना है। एक साइड से खुला छोड़ना है, ऊपर की तरफ खुला छोड़ना है सीधा करने के लिए, नीचे की तरफ खुला नहीं छोड़ना है, पूरा स्टिच होगा। सारे पीस को आपस में अटैच कर देना है। मैंने इसे भी अटैच कर दिया और यहाँ खुला छोड़ा है, इसे मैं स्टिच करना आपको बताती हूँ। नीचे वाले पार्ट को मैं इसको दो पार्ट में कर रही हूँ क्योंकि नीचे वाले पार्ट में ये वाला पीस अटैच होगा, इसलिए इसे अलग से इस तरह करते हुए हाफ हाफ इंच फोल्ड करते हुए सारे साइड से स्टिच कर देना है। इसके कवर के लिए जो पीस मैंने बताया था, इसे सिर्फ एक साइड से अटैच करना है, बाकी साइड से खुला छोड़ देना है। इस तरह से पाइपिंग को इस तरह दोनों के साथ मिलाते हुए इस तरह दोनों को रख के मिला के पाइपिंग को अटैच करना है। इस तरह से सारे साइड से पाइपिंग हार्ट करने के लिए नोटबुक का इस टाइप का कूट का पार्ट आप इसमें लगा सकते हैं। और सुई की हेल्प से इन दोनों को, इसको और पीछे वाले पीस को आपस में फोल्ड करते हुए सुई की हेल्प से आप इसको अटैच कर दीजिए। स्टिच करना इसलिए बोला था क्योंकि ये जो पीस है ना, इसमें अटैच होगा, इसको इसके साथ अटैच करना है इस तरह से। आप चाहे तो मशीन चला दीजिए या फिर सुई की हेल्प से इसको अटैच करना है। और ये जो पार्ट है इसको आपस में, मैं सुई की हेल्प से कर रही हूँ, आप चाहे तो इसमें मशीन भी चला सकते हैं। इन सभी को आपस में इस तरह से, इन दोनों को और दोनों छोटे वाले पार्ट को इस तरह से हाफ इंच खुला छोड़ा है नीचे इसे अटैच करने के लिए। इसे इसके साथ इस तरह रखना है, इसे मैंने उल्टा कर लिया है, इसे इस तरह रखना है और सारे साइड से पकड़ते हुए स्टिच कर देना है। इस तरह पकड़ते हुए स्टिच कर देना है।
इस तरह स्टिच कर देना है। अब इसे सीधा कर दीजिए, सीधा कर देना है। उसके बाद इसमें पाइपिंग लगाना है, पाइपिंग को इस तरह सारे साइड में पाइपिंग को अटैच करना है। कवर में भी मैंने पाइपिंग अटैच कर दिया है, बीच से खुला छोड़ दिया है इसमें लगाने के लिए। इसमें सारे साइड से पाइपिंग अटैच कर देना है। उसके बाद इस स्टिच को इस स्टिच के साथ मिलाते हुए इस तरह पकड़ते हुए यहाँ एक निशान लगाना है दोनों साइड में। और ये जो निशान है इसके साथ इस हैंडल को सुई की हेल्प से दोनों साइड अटैच। और ये जो कवर है इसको बीच में खुला इसलिए छोड़ने के लिए कह रही थी मैं, इसे इस तरह डाल के आप इस तरह बास्केट को यूज कर सकते हैं। इस तरह उठा के आप इसमें कुछ डाल सकते हैं, कवर को उठा के लिए इस तरह छोटे छोटे पीस को आप यूज करके डॉल के लिए बहुत सारे बास्केट बना सकते हैं नए नए डिजाइन का।